जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, स्वागत जनाऊ आप शास्त्र बाणी को। आज आम गोटे निरा कथा जानवा कि आज मत से शास्त्र कथा ही आलोचना करवा। आम हूँ एमती गोटे धर्म धार्मिक आम एमती गोटे भूमि जन्म नहींचे जहाँकि सारा सृष्टिर प्रथम बोली आम कहीपर सृष्टि बोली कहीपर ये शास्त्र संस्कृति परंपरा ऐतिह्य यू कहीं वर्ष के लुचि रही जहाँकि सारा पृथ्वी मानि थाए जी हूँ देवभूमि दिव्यभूमि जो जन्म नहीं था भगवान बारंबार तेल गोटे शास्त्र को नहीं कहते भारतीय अक्षय संस्कृति को नहीं आम आज रहीस्थापना कि जनसाधारण अवती निमित्ते कि आम जानवा आम आज शास्त्र विषय प्रथम जानवा कि आम शास्त्र पक्ष केतोटी ना दुईटी पक्ष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दुईटी जाक पक्ष आमपाई शुभ होता है से भाई भाव में पक्ष भितर तिथि भी रही है जो 15 तिथि रही भितर कि आम कृष्ण पक्ष हो कि शुक्ल पक्ष प्रत्येक तिथि महत्वपूर्ण होता है सेमती आमर तीनोटी ऋण रही साधारणतः आम मानव जन्म नहीं छे भगवान पाखे आम ऋणी जहाँ मुझे जन्म दे बापा माँ हो भगवान से आमर रही देव ऋण पितृ ऋण और ऋषि ऋण ये तीनोटी ऋण भितर आम के जीवन एम को सुझा आम पाखे ही नए तापर रही आपणकर जुगर कथा जानवा आम जाचे कि आम चारि युग जिते कलिजुग आसला कलिजुग आसवा पर आम भितर जो आजिका अवक्षय हवार लगे ताकि चारिटी युग विषय जानवा सत्य युग जोटा कि तृतीय युग द्वापर युग एवं कलिजुग तीनोटी युगरे भगवान आसी सारी अवतार नहींकि रही कलीर कथा जे मैंने जमी भाव में संस्कारपूर्ण जीवन काटे सेमती भगवान आशीर्वाद मिले तो कहते जे मत युग जो चारिटी रही सहित मत आम जानवा दरकार कि आमर एटी जो अक्षय संस्कृति रही भारत संस्कृति सनातन हिंदू धर्म चारिटी धाम रही ये चारि धाम आमको दर्शन करवा निहाती जरूरी आम कहीपर मुख्यर कारण भी ही थाए भितर द्वारिका बद्रीनाथ पुरी और रामेश्वर जब आम इतिहास को बारंबार खोल तो आम देखुचे अवलोकन भी करे कि भगवान श्री जगन्नाथ पाखे एमती कौन थी पुरी एमती कौन थी जे पृथ्वीर कोण अनुकोण से जन्म नहीं प्रत्येक साधुसंत निश्चय थर के पुरी आसिक बुलिक जाते आम शंकराचार्य कथा भी कहीपर से आम ख्रीष्ट पूर्वर आसी अनेक साधुसंत कथा कहीपर प्रत्येक व्यक्ति विशेष प्रत्येक साधुसंत निश्चय ये चारिधाम भ्रमण करते आज ये चारिधाम शंकराचार्य रही जो कहते आमर एटी हिंदू धर्म सनातन धर्मर जो कहते धार्मिक आध्यात्मिक गुरु ये चारिधाम सहित मत आम पाखे रही चारिटी पीठ जहाँकि आप शारदा पीठ जहाँ कि द्वारिका तहत ज्योतिष पीठ जहाँ कि बद्रीनाथ धाम रही सेठी गोवर्धन पीठ रही जगन्नाथ पुरी व आपणकर श्रृंगेरी पीठ मत रही ये चारिटी पीठ ये आमपाई जो कहते आध्यात्मिक चेतनार धार्मिक भावनार युड़क हूँ पहाड़ महासमृत समुद्र ये चारिपीठ सहित आम जानवा दरकार आम चारि वेद भी रही है जहाँ कि आम ऋग्वेद अथर्वेद यजुर्वेद आपणकर सामवेद ये चारि वेद रही चारिधाम रही ये चारिटी पीठ रही चतुर्थ मूर्ति भी अच्छा तो भगवान श्री जगन्नाथ भगवान श्री बलराम एवं माँ सुभद्रा तहत मत अच्छा सुदर्शन ये चारिधाम भी रही चेतले मत आम जानवा दरकार कि आम चारि आश्रम भी रही ताको भी आम जानवा दरकार कि आम शस्त्रोक्त मतरे आम जीवन जहाँकि आम आजिका डेट कहे लाइफ स्पान तो ये मनीषर जीवन जहाँकि ज्योतिष भाषा 120 वर्ष जितने विंशोत्तरी महादास आम देखी था से 120 वर्ष भितर आम रही फास्ट ब्रह्मचर्य तापर रही गृहस्थ आश्रम गृहस्थ पर बानप्रस्थ तापर आम नौचे सन्यास ये चारिटी
आश्रम दे मध्य आम जीवन अतिवाहित होता जहाँकि आम संस्कृति या आगुरी आम जब देखुचे आम पुराण वेद वेदांत उपनिषद भागवत गीता प्रत्येक जगार ये चारि आश्रम को लेकिन अवलोकन रही है मत अनेक अनेकांश यार मत प्रचार प्रसार भी रही है यार शस्त्रोक्त विधि विधान भी रही है आम को जब मानुचे निश्चय आम जीवन निष्कंटक निरोगी रो आत्मशांतिपूर्ण रहीसत रही चारिटी अंतकरण प्रथम हूँ कि मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार ये जो चारिटी जिनस रही इति जदि आम चारिटी अंतकरण को निजर नियंत्रण भीतर रखिपर ताल देखिबे कि जीवन रे भी केबे आमर जो अशांति असुविधा रोग सुख मध्य रहा ये भी रहा चार आपणकर प्रत्येक समय रे भगवान को पूजा अर्चना कथा आसला कि आपणकर जितले आयुर्वेद विज्ञान कथा आसे सीतले आसे पंचगव्यर कथा पंचगव्य जहाँकि रही आपणकर गुआ घी गाई घी सहित क्षीर दही गोमूत्र गोबर ये पांचटी जाक द्रव्य हूँ गोमाता जो आम गोमाता आम कही था माता हिंदू धर्म व शास्त्र आम आपको पूजा कर गोमाता हिंदू धर्म प्रत्येक पूजा पर्वर ये निश्चय पांचटी द्रव्य लगे पांच द्रव्य चार द्रव्य जमी गोबर टी निश लगुचे घी घी आपणकर घी क्षीर दही निश लगे से रही कि पंचगव्यर महत्व रही सीता आम जाना दरकार कि आम पांच देवता भी अच्छा गणेश जे कि अग्रपूज्य विष्णु शिव शक्ति सूर्य ये जो पंचदेवता पीठ अनेक रही आमर हिंदू धर्म प्रत्येक भारत प्रत्येक अनुकोण से भितर आम ये रही कि जो अग्रपूज्य पांचज रे मानक आम पंचदेव कही था तो कौन सी भी कार्य आरंभ करने पूर्वर मानव कि आम मैंने निश्चय ए पंचदेव को स्मरण कर जब आरंभ करुचे पंचदेव को स्मरण कर जब आग को बाद पकाउचे तेल बाधाविघ्न केवे रही भगवान गणेश भगवान से विष्णु भगवान से शिव भगवान से शक्ति एवं आपणकर जहाँ रही सूर्य भगवान माँ शक्ति रही अनेकांश आम उपर प्रभाव तसे तो आम रही पंचतत्व को नहीं सृष्टि पंचतत्व को नहीं आम शरीर पंचतत्व को नहीं वास्तु पंचतत्व को नहीं ज्योतिष ये जो पंचतत्व कथा आसूची से पंचतत्व भितर आम साधारण जमी जाणीचे कि अग्नि आपणकर अग्नि वायु तहत मत जल एवं आप पृथ्वी एवं आकाश ये पंचतत्व को नहीं सृष्टि ये सृष्टि को नहीं प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक जिनस आम जहाँ देखुचे ये प्रत्येक मध्य यूर सृष्टि ये जो पंचतत्वर तेनाली आपणकर पंचदेवता सहित पंचतत्व रही जितने पंचतत्व जो बालान्स रही था सीता वास्तुदोष आसी न था कि कौन प्रकार बाधा मध्य रही न था मात्र आज ये पंचतत्व सब इम्बालांस आम मन इच्छा करुचे आज आम पाखे आम निजे निजपाई समस्त जो कहते दैवी दुर्घटना ही सृष्टि करुचे आज आम पाखे ना वर्षा ठीक जल ठीक से रोचे ना वायु ना अग्निर ठिकना अच्छे ना आमर एटी आकाश को आम निजर नियंत्रण रखिपारे आज समस्त जगार ये जाणी दरकार कि पंचतत्व जब बालान्स न रहे से सृष्टि रही बची न था सहित आमर ये सप्त ऋषि अच्छा जो मान को स्मरण करवा दरकार जमी आप विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज तहत आप गौतम अत्रि वशिष्ठ एवं काश्यप ये जो सप्त ऋषि अच्छा जितने आम पंचदेव को स्मरण करे जितने सप्त ऋषि को स्मरण कर आग को जब बढ़ुचे कौन प्रकार बाधा रहा ना रस्तुदोष ना र्योतिषर ग्रह पीड़ा ना रम जीवन में कौन से कंटकपूर्ण जीवन ता सहित रही कि आमर दर्शन करवा दरकार आमर भारतीय शास्त्र मतरे आम जीवन में केवे ना के थरे थरे ये सप्तपुरी रही अयोध्यापुरी मथुरापुरी मायापुरी काशीपुरी कांचीपुरी अवंतिकापुरी और द्वारिकापुरी ये सप्तपुरी को आम थरे थरे केवे ना के दर्शन करवा दरकार जहाँकिम पाई जो कहते आध्यात्मिकता मुख्यता
मध्य आम भितर आसी थाए ता भितर मध्य रही है कि आठ लक्ष्मी को मध्य आम स्मरण कर देवा दरकार जितना आमर अर्थर कथा आसे माँ लक्ष्मी आशीर्वाद दरकार हुए जितना आमर शांतिर कथा आसे माँ लक्ष्मी कथा आसे जितना अन्नपूर्णा कथा आसे जितने से माँ लक्ष्मी कथा आसे तो माँ लक्ष्मी आशीर्वाद दरकार से रही अष्टलक्ष्मी जी प्रत्येक व्यक्ति विशेष आम अष्टलक्ष्मी उपासना प्रत्येक दिन करुवा तेल केम पाखे अभाव अनाटन रहा से किए ना प्रथम होती अष्टलक्ष्मी जा कि अर्ध विद्या सौभाग्य अमृत काम सत्य भाग्य बापर जोग लक्ष्मी यदि यू भी आम स्मरण कर प्रत्येक दिन सका शुठापर ब्राह्म मुहूर्त स्नान सारी जी आम अष्ट लक्ष्मी को भी स्मरण करुचे आम के जीवन में घरे लक्ष्मी अभाव बा लक्ष्मी बासस्थान रहा ये अष्टलक्ष्मी सब आम पाखे रे सहित आम नवदुर्गा पूजा भी कर नौ दिन धरी जितने कि ये नवरात्रि ही था मात्र आम नवरात्रि पर पुणी आम नौ माँ को भूली जाते से माँ मैंने किए ना नवरात्रि से जो नवदुर्गा को आम जब मध्य आम प्रत्येक दिन ना भी शनिवार दिन स्मरण करुचे भी शुभंकर रमीक आपंकर शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा आप स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री ए नौ नवदुर्गा को मध्य आम स्मरण करवा जरूरी सहित मध्य रही है कि आम जहाँ रही अवतार दश अवतार को स्मरण करवा निहत आमपाई रही था जहाँकि शुभंकर एवं अत्यंत महत्वपूर्ण मत रही कि आम जितने कि आजिकिया डेट्रे आम जानूचे कि आम बारटी राशि रही कितु अनेक समय अनेक लोकों पाखे जतक न थाए कि राशि भी न थाए से आम बार राशि को मध्य प्रणाम करें आरंभ करमती कि आपणकर बारटी राशि मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला विच्छा धनु मकर कुंभ मीन बार राशि स्मरण कर दर्शक बंधु आलोचना कले आम हिंदू शास्त्र को लेकिन अनेक किसी रही शास्त्र जहाँ को आलोचना कले कभी सर कि आजपाई इतनी आलोचना रोचे निश्चय देखा आगामी के अध्याय यार नेक्स्ट आलोचना गुड़क आम आगे नवा आजपाई इतिक विदाय नौ जय जगन्नाथ।